2024 के चुनावी मंच पर भाजपा की दावेदारी यूपी में 80 सीटों पर जीत का झंडा बुलंद करने की है। ऐसे में सीएम योगी निकाय चुनाव की तर्ज पर तूफानी रफ्तार से अलग अलग जिलों का दौरा कर रहे हैं, विकास योजनाओं की सौगात दे रहे हैं। सीएम योगी गुरुवार को अयोध्या में थे तो आज वो सोनभद्र पहुंचे, जहां उन्होंने 400 करोड़ रुपए से ज्यादा की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास कर विकास का संदेश दिया। साथ ही परिवारवाद को लेकर विरोधियों पर चुभने वाला हमला किया। सोनभद्र दौरे पर पहुंचे सीएम योगी ने 414 करोड़ की लागत वाली 217 परियोजनाओं की सौगात देकर लोगों का दिल जीतने की कोशिश की। पूर्वांचल के छोर से मुख्यमंत्री ने डबल इंजन की सरकार के फायदे गिनाए, प्रदेश सरकार की नीयत समझाई और विपक्ष पर एक बार फिर परिवारवाद वाला हमला कर दिया। परिवार और जाति के नाम पर राजनीति करने वाले लोगों ने समाज का दोहन किया, गरीब का शोषण किया, बहन बेटियों की इज्जत को दांव पे लगाया, खतरे में डाला, नौजवानों की रोजगार पर डकैती डालने का कार्य किया, अन्नदाता किसानों का शोषण किया। सोनभद्र को सीएम योगी ने ऋषि मुनियों की धरती बताया, जिले की खासियत गिनाई और प्रदेश से लेकर केंद्र सरकार की योजनाओं की उपयोगिता भी समझाई। आज हमारा सोनभद्र अपने नाम के अनुरूप सोने का बनने जा रहा है। सोने का, अच्छी सड़क, अच्छी कनेक्टिविटी, मेडिकल कॉलेज, जल जीवन मिशन में हर घर नल की योजना, हर गरीब के लिए आवास की योजना, हर गरीब को रसोई गैस के कनेक्शन, हर गरीब को बिजली के कनेक्शन, हर गरीब को ये सारी सुविधाएं। सोनभद्र में पिछड़े और अति पिछड़े समाज के साथ आदिवासी समाज की गिनती भी काफी ज्यादा है। ऐसे में सीएम योगी ने 11,000 से ज्यादा आदिवासी परिवारों को वनाधिकार का पट्टा देने का वादा किया। दावा किया कि जो सुविधाएं बीते कुछ सालों से मिल रही हैं, वैसी सुविधा 50 से 55 साल तक शासन करने वालों ने नहीं दी। मैं एक टारगेट देने जा रहा हूं यहां के जिला प्रशासन को कि जो लोग वनाधिकार का पट्टा नहीं प्राप्त किए हैं, ऐसे 11,000 से अधिक लोगों को अगले एक महीने के अंदर वनाधिकार का पट्टा उपलब्ध करवाने के लिए कैंप लगा करके उसको देने का कार्य करवा लिया। आज हमने तो 417 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया है। इनमें से यहाँ के विद्यालयों को तकनीक के साथ जोड़ने के कार्यक्रम भी इसमें शामिल है। सीएम योगी ने सोनभद्र को सोने की चिड़िया बनाने का दावा किया और विपक्ष पर कई चुभने वाले हमले किए। साफ है 24 का चुनाव नजदीक है और सीएम योगी किसी भी क्षेत्र को अपनी पहुंच से दूर रखना नहीं चाहते। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।